सब्सक्राइब करें इंजीनियर्स किचन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। इंजीनियर्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चिली पनीर चीज कोन। इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है हमें, पनीर, स्प्रिंग अनियन, चीज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, टमाटो और चिली सॉस, चिली फ्लेक्स, नमक, स्प्रिंग रोल शीट, रिफाइन ऑयल। गैस ऑन कर लें और पैन चढ़ा लें, थोड़ा सा तेल डाल लें। तेल गर्म होने पर स्प्रिंग अनियन डाल लें, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लें, अब इसे हल्का सा फ्राई कर लें। अब इसमें क्रम किया हुआ पनीर डाल लें, चिली फ्लेक्स डाल लें, सॉस डाल लें, चीज डाल लें और नमक डाल लें। सारी चीजों को अच्छे से मिला लें। ये हमारा फिलिंग तैयार हो गया है, तो इसे ठंडा करने के लिए निकाल लें। एक बाउल में थोड़ा सा मैदा ले लें और पानी डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है हमें। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया है, अब इसे साइड रख लें। अब स्प्रिंग रोल शीट ले लें और इसे बीच से काट लें। अब इसे हमें कोन के शेप में फोल्ड करना है। अब जो जो हम लोगों ने घोल बनाया था मैदे का, उसे यहाँ पे थोड़ा सा लगा लें। तो ये कोन हमारा तैयार हो गया है, इसे थोड़ी देर रख दें ताकि ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। इसी तरह बाकी कोन भी बना लें। ये हमारे सारे कोन तैयार हो चुके हैं, अब इसमें फिलिंग भरते हैं। अब इसमें फिलिंग भर लें। इसी तरह सारे कोन को भर लें। अब जो मैदे का घोल बनाया था हमने, उससे इसको कवर कर लें। इस तरीके से इसी तरह सारे को कवर कर लें। अब इसे आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेट कर दें। मैदे का घोल हमने यहाँ डाला था, वो अच्छी तरीके से सूख जाए।
गैस ऑन कर लें और कढ़ाई चढ़ा लें। इसमें तेल डालें, तेल को अच्छी तरीके से गर्म होने दें। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है तो इसमें एक एक कर कोन डाल दें फ्राई होने के लिए। जैसा कि देख सकते हैं ये कोन है जो अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। इसी तरह बाकी कोन को भी फ्राई कर लें। और ये हमारा चिली पनीर चीज़ कोन तैयार हो गया है। इसे गर्मा गर्म सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।